प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा। अच्छा, और जिस पर खान साहब कह रहे हैं ये हमारी पार्टी का खटक। मैं कहता हूँ ये अपनी सीट जीत गया, बड़ी बात है। बड़ी बात है, ये अपनी सीट नहीं जीत सकता, ये तो खान साहब के मुंह पे बोर्ड है, ये तो खुद नहीं जीत सकता बोर्ड, इसकी सेहत है ये तोड़ने वाली। आप मुझे ये बताएं सर, जो गन्ना नहीं तोड़ सकते वो पार्टी कैसे तोड़ेंगे, आप मुझे ये बताएं। तो ये खटमली है, सही बात है, खटमली है ये, खान साहब का खटमल है। मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चूहा बिल्ली का खेल है, और कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, सारे एक ही चट्टू बटे के लोटे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर। ये ओके की नाली नहीं जोड़ सकते तो ये लोग पार्टियां तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, ये सब भी खटमल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर ससुरा। नाजरीन, प्रवेश खटक साहब कहते हैं कि जी मैं पीटीआई को तोड़ दूंगा, और जहाँ तक ये बात पहुँची खान साहब तक, तो खान साहब ने कहा कि ये हमारी पार्टी के खटमल हैं। ये सुनने के बाद हंसी तो मुझे भी बड़ी आई, तो क्या प्रवेश खटमल साहब, सॉरी, प्रवेश खटक साहब पीटीआई को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, ये तो मुझे आवाम ही बताएगी, मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है भैया? सब ठीक ठाक, ये लगा कर खैर है, नंगे पैर फिर रहे हो? बस वैसे दुकान से बाहर आए हैं जरा, वैसे अच्छा, मैं क्या कहता तोड़ लान लगे हो? नहीं, ताड़े ना लानी तोड़। सर नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, रिजवान भाई क्या कहते हैं कि ये प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा। अच्छा, और जिस पर खान साहब कह रहे हैं ये हमारी पार्टी का खटमल। मैं कहता हूँ ये अपनी सीट जीत गया, बड़ी बात है। बड़ी बात है, ये अपनी सीट नहीं जीत सकता, ये तो खान साहब के मुंह पे बोर्ड है, ये तो खुद नहीं जीत सकता बोर्ड, इसकी सेहत है ये तोड़ने वाली। आप मुझे ये बताएं है कि नहीं, और सुनाएं क्या हाल आपका? सेहत तो वाकई नहीं है। हाँ जी, सेहत वाकई नहीं है, सही बात है। हाँ जी, तो ये खान साहब ने जो कहा खटमल है हमारा, तो ये खटमल ही है, सही बात है, खटमल ही है ये, खान साहब का खटमल है। पहले खान साहब के गुण गाता था, अपने गुण गा रहा है, हाय क्या नहीं बात है। तो इज्जत तो रब ने देनी है, खान साहब को इंशाल्लाह ताला अल्लाह दोबारा देगा इज्जत, बिल्कुल दे, क्या नहीं, अच्छे बंदे को तो अल्लाह ने इज्जत देनी ना, इजमाइश है सबके ऊपर आई है, बिल्कुल इसके ऊपर भी आई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही बात, हक सच जीतेगा इंशाल्लाह ताला, हक सच जीतेगा इंशाल्लाह। एक जरा पैगाम दे दे प्रवेश खटक साहब को। मैं क्या पैगाम दूं उनको, आप खुद पैगाम देने वाले हैं, खटमल को मैंने क्या पैगाम देना है, लोटों को, ये तो लोटे हैं, बिक चुके हैं, पैड करते उसके साथ खड़े होते, डर गए इतनी जल्दी डर गए। आइए भाई है मेरा छोटा, ये माशाल्लाह पीटीआई का बड़ा पक्का है, आप बताएं इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? शहजाद अली। मुंह धो रहे हैं आज जी, मैं कहा आपको इंटरव्यू देना, मुंह हाथ धो के जरूरी है, कैमरे के बीच ये क्या कर रहे हैं? घड़ी पहन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने ताकि पता लगे लोगों को कि भाई घड़ी भी है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, टाइम तक पता है, ऐसे ही की टाइम हो गया देख सकने, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, साफ कर लें जरा और पानी साफ कर लें, यहाँ से भी कर लें, आप हमें माफी नहीं देते, आई लव यू। और आप सुनाए सर, नाम क्या आपका? शहजाद अली। शहजाद भाई मुझे ये बताइएगा, ये प्रवेश खटक साहब कहते हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा, जिस पर खान साहब ने ये कहा है कि ये हमारी पार्टी का खटमल है, तो सही कहा उन्होंने, सही कहा, तो खान साहब से की वजह से उसको नाम मिला, उसको कौन जानता था, लाहौर में कोई जानता था? ये मेरा उस्ताद नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता, इमरान खान के साथ मिला तो फिर जाके उसको आवाम ने जानना शुरू किया, उसके अलावा उसको कौन जानता है, तो वो खटमल ही है, वो उनके लिए खटमल ही है, वो खटमल ही है। तो क्यों ऐसे बयान दे रहा है, कर सकता है ऐसा, तोड़ सकता है पार्टी? कुछ भी नहीं हो सकता, पार्टी नहीं टूट सकती, बिल्कुल सही बात, इमरान खान साहब बाहर रहेंगे, ठीक है, केस वगैरह उनके खत्म होंगे, जिन्होंने करप्शन की थी वो चले गए हैं बाहर, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी की टांग में दर्द हो रहा है, वो सारे गैप हो गए हैं, सारों को कोई ना कोई बीमारी है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज, वेरी गुड, इतना अच्छा नाम रखा हुआ आपने, मोहम्मद रियाज मेरे अब्बे का नाम सी, ना सर तुझे मैं डांटो नहीं करता फिरना, अच्छा इन्हों का ब्याह ही नहीं होया? नहीं हुई, ब्याह होता है माँ बाप होते तो ब्याह हो जाना सी, माँ बाप, लो जी शादी नहीं हुई इनकी, तो की करना जाके, ब्याह करना कि नहीं करना? लंडे का काम करिए, लंडे का काम कर रहे हो, जो सोच रहे हो दे अंदर कोई बुढ़ी निकला फिर लंडे का काम, आज लंडे जो तो सस्ती भी लग सकती है, अच्छा जी, अच्छा तो कह रहे हैं तरसिया ब्याह तो, अच्छा अल्लाह करे, मैं दुआ कर रहा ताड़ी शादी हो जाए, सारे रल मिल के ना असि लब ने रिश्ता, असि तो बड़ी दुआ कर रहे हैं कोई रिश्ता लब जावे, अच्छा यार किन्ने किन्ने घर अपना जे ताड़ा? नहीं जी, किराए ते, किराए ते,
ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੱਟਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, थल नहीं तोड़ सकता, पीटीआई नहीं तोड़ सकता कभी। ना, कभी भी नहीं होता। तो इमरान खान ने जो कहा कि ये खटमल है, तो सही कहा है उन्होंने? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, हाँ जी, खटमल ये। नाम क्या है सर आपका? मोहसिन। मोहसिन, मोहसिन भाई क्या कहते हैं, प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा, और इमरान खान साहब कहते हैं ये हमारी पार्टी का खटमल है। पीटीआई तोड़ दूंगा, इतनी कमज़ोर बेटी है ये, वो तोड़ देगा। मैं अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ भाई जान, मैं बेसिकली मैं ये तोड़ सकता सर, बेसिकली मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स में। अच्छा नहीं, जो खान साहब ने कहा है, जेल में से उनका बयान आया, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी का खटमल है। क्या कहते हैं, मैं तो हंसा पहले। खटमल से मुराद खटमल जो चारपे में पड़ जाते हैं, वही खटमल होता है। उसी को किसी और नूं कहने हैं खटमल, नहीं जो चारपे में पड़ जाता है। मे भी हो सकता है सर, लेकिन यकीन करें मुझे इस बारे में हाउ नो ज्यादा पता नहीं है, इसकी ज्यादा नहीं। आप समझते हैं कि प्रवेश खड़क साहब पार्टी तोड़ सकते हैं? पीटीआई को इतनी बड़ी पार्टी है तो वो तोड़ देंगे सर? जितनी बड़ी ये तहरीक है, इसको एक आम आदमी तो नहीं तोड़ सकता, और एक आदमी के बस का काम नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर करोड़ों लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके जियाले मौजूद हैं, जिस तरह नून लीग बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इसी तरह पीटीआई भी एक अच्छी तहरीक है, बड़ी तहरीक है, इसको भी ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह। तो पढ़ रहे हैं या? नहीं नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, इस मुल्क के हालात जैसे हैं, जिसकी वजह से हम कारोबार कर रहे हैं, कोई ना कोई घर का निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बेड़ा घर कर दिया है। किताबें महंगी, बुक्स महंगी, स्कूल महंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़रा तवज्जो वाली है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए नौजवान लड़का है, वो कहता है कि जी मैंने पढ़ाई छोड़ी इसलिए कि महंगाई इतनी होगी कि घर का साथ दें, कि घर वालों का, अपने माँ बाप के साथ दें, उनके लिए कुछ कमा कर ले कर आए। ये हाल है इस टाइम। बहरहाल सर, नाम अपना बताएं। मेहदी रज़ा। मेहदी रज़ा, बहुत खूबसूरत नाम रखा हुआ आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा, और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हमारी पार्टी का खटमल है। सर जो गन्ना नहीं तोड़ सकते वो पार्टी कैसे तोड़ेंगे, आप मुझे ये बताएं। ये हुक्के की नाली नहीं जोड़ सकते तो ये लोग पार्टियां तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? ये सब भी खटमल है। हाँ, ये सब खटमल है, ये कोई इनमें से कोई नहीं, मुल्क का कोई खैर खोर नहीं। आप क्या समझते हैं कि हुक्के की नली वो इनसे मजबूत है, ये उससे भी गए गुजरे हैं, जैसे पानी खींचते ना, ये वो चीज है। ये सिर्फ अब हमारे मुल्क का स्वैग बन गया, जैसे वो स्मोक ऐसे अंदर जाके बाहर फेंकते ना, ये वो चीजें हैं। प्रवेश खड़क को ये पैगाम देंगे कि आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, आप नहायत नहायत नाकामिल और नकाड़ा खट्टू हैं इस मुल्क के लिए, बाइस्ते जो है वो जलालत है, लिहाजा आप पार्टी पुल्टी तोड़ने का ये जो ख्वाब देख रहे हैं ये ना देखें, अपने घर में बैठे रहें और बीवी बच्चों के साथ अपना निज़ाम चलाएं। प्रवेश खटक साहब का बयान आ गया है, प्रवेश खटक साहब कहते हैं कि जी मैं पीटीआई तोड़ दूंगा। माशाल्लाह। और जिस पर जो है ना खान साहब ने कहा कि भाई ये तो हमारी पार्टी का खटमल है, इसने क्या तोड़नी है पार्टी? मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चूहा बिल्ली का खेल है, और कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, सारे एक ही चट्टू बट्टे के लोटे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है भाई। वो पार्टी है कौन सी मुझे पहले ये बताएं, करंटली हमारे मुल्क को किसने संभाला हुआ है? हम तो पता नहीं कितने हाथों से गुजर 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 के पिसी भी आवाम है, हमारा कोई सरबरा नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम हर लिहाज में पिसी भी आवाम है, हर लिहाज में पिसी भी, बिलों से, महंगाई से, पेट्रोल से, अब आप ये ऊपर की लड़ाइयां लड़ी जा रहे हैं और खुद ही लड़ते हैं, खुद ही शाम को बैठ के इनका खाने के पार्टी करेंगे, खाने की टेबल पे इनकी सुलह सफाई हो जाएगी और हम वहीं के वहीं।
हाँ जी बिल्कुल जी, ये सुबह लड़ते हैं शाम को एका कर लेते हैं, पार्टियां ले लेते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। प्रवेश खटक साहब के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्यों ऐसे? भाई मैं तो हर सियासतदान को लोटा ही समझ रही हूँ आजकल। वो जिधर देखता है उधर ही घूम जाता है, एक मिनट में पार्टियां बदल जाती हैं, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में आ जाता है, दूसरी का इधर हो जाता है, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इन लोगों की, ये कोई बंदे है ही नहीं है सियासतदान में, जो भी जितने भी लोग हैं ना वो कोई बंदे नहीं है। बंदों वाली कोई बात नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, आज इसके मुखालिफ कल उसके मुखालिफ, ये किसी के मुखलिस नहीं है, किसी के मुखलिस नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पैगाम है प्रवेश खट्टर साहब? भाईजन जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं। प्रवेश खट्टर साहब आपने बयान जो कमेंट्स हैं वो आपने लोगों के सुन लिए हैं। हमारा काम तो होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप लोग आवाम को रिलीफ दें और आवाम के लिए कुछ सोचें, ना कि अपने लिए कुछ सोचें कि हमारी कुर्सी छिन गई, हमारी सीट छिन गई, हमारा बैंक अकाउंट जो उनसे है वो एक्सपोज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। आप गरीबों के लिए सोचें, एक अच्छे हुक्मरान बने, या फिर आप घर जाके सो जाएं। बिल्कुल, यहाँ घर जाके सो जाएं और मस्क्रिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। ससुरा हम सबके साथ है जी।